अपने आप में एक नया ही विषय है और इसका श्रेय कहीं ना कहीं पूज्य बनते हैं तो राहुल जी को जाता है। क्या विचार ये विचार इस कारण ऊपर है कैसे आया कि महिलाओं का खुद सम्मेलन? मैं भारत के संदर्भ में ये बात कर रहा हूँ। भारत पुरुष प्रधान देश है, यहाँ जो भी बातें की जाती हैं, जो काम किया जाता है वो पुरुषों को ध्यान में लेकर के किया जाता है। और हम देख रहे थे कि पिछले 60 वर्षों से बाबा साहब के दुनिया से जाने के बाद देश में बौद्ध धर्म पर काम हुआ, बहुत काम हुआ, लेकिन उस काम में सिर्फ पुरुष ही नजर आए। संगठन बने उसमें पुरुष नजर आए, सम्मेलन हुए पुरुष नजर आए, धर्म की बात हो या कोई भी बात हो पुरुष ही भाषण देते रहे। धर्मभूमि ने ये अनुभव किया कि महिलाओं की आबादी भी पुरुषों के बराबर है, लेकिन ना तो कोई उनकी बात कर रहा है और ना उन्हें कोई अवसर दे रहा है। उन्हें भी उनका हक मिलना चाहिए। यद्यपि भारत में महिलाएं अपनी आवाज नहीं उठाती हैं तो उनकी आवाज किसी को तो बनना चाहिए। तब धर्मभूमि ने यह निर्णय लिया कि अब धर्मभूमि बौद्ध महिला सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसके माध्यम से महिलाओं को जो बनना चाहिए, महिलाओं की जो भूमिका होनी चाहिए और महिलाओं के जो उनके अधिकार हैं उन्हें मिलने चाहिए, ये सारी बातें महिलाएं अपने ही मुख से करें, महिलाएं अपने आप अपनी बात करें। इसलिए आपने देखा होगा आज भी और इससे पहले भी जितने महिला सम्मेलन हुए हैं सभी महिलाएं ही अपनी बात रखती हैं और मन संचालन भी महिलाओं के पास रहता है। मुझे तो ये इसलिए बुला लेते हैं, ये सब मेरी बात मान लेते हैं। जब मेरी बात मान लेते हैं तो मैं इस बात का ख्याल नहीं रखता हूँ कि वो महिला सम्मेलन में बुलाया है या पुरुष सम्मेलन में बुलाया है। तो मैं सोचता हूँ जब महिलाओं की बात है पुरुषों को माननी चाहिए, तो मैं उनके में सहायक बन करके यहाँ आता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। इस प्रयास से मैं चाहता हूँ कि सभी इस बात को समझें कि महिलाएं इस देश में आधी आबादी में है, बराबर की आबादी में है। इस देश के विकास में महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए और महिलाओं को अपना प्रतिनिधित्व खुद ही चुनना चाहिए और किसी भी निर्णय में उनकी भूमिका बननी चाहिए। बस इस उम्मीद के साथ हम लगे और मुझे खुशी है आज पासों में आकर के मुझे खुशी हुई कि जो बात मैं पहले बोलता था आज वो सारी बात महिलाएं खुद बोल रही हैं और कर रही हैं। इसलिए मैं साधुवाद देना चाहता हूं और आपको भी ये बताना चाहता हूं, इसलिए धर्मभूमि ने ये बौद्ध महिला सम्मेलन आयोजित किए हैं। पंत जी, आज हजारों की तादाद में महिलाओं ने बौद्ध महिला सम्मेलन में आके हमने उनसे पर्सनली जाकर बात भी की और उन्होंने कहा जब से हम धर्मभूमि से जुड़े हैं तब से हमने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है या कुछ बौद्ध धर्म के बारे में सुना और अपने अंदर परिवर्तन पाया, तो कहीं ना कहीं उनका जीवन पहले के मुकाबले अब कुछ अच्छा वो समझ रही है। ये तो समझेंगे क्योंकि अभी तक श्रेष्ठ जीवन की बात किसी ने की नहीं। कोई स्वर्ग की बात करता रहा, कोई नरक की बात करता रहा, तो कोई लोक की परलोक की बात करते रहे, लेकिन धर्मभूमि ने पहली बार महाकवि बुद्ध की विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का काम किया। यहाँ आने के बाद हमें पता लगता है, बौद्ध महिला सम्मेलन में पता लगता है कि जीवन के दुख क्या है, उनका समाधान क्या है। हम पूर्वजन्म की, जन्म के बाद की, स्वर्ग की नरक की बात नहीं करते। इस जीवन को इसी जीवन में सुखी होना चाहिए, तो श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन इसीलिए है ताकि लोग समझ सके। और निश्चित रूप से जिसने भी धर्मभूमि के श्रेष्ठ जीवन के आंदोलन को समझा है उसका जीवन सुंदर हो गया, उसके जीवन से दुख खत्म हुए हैं, उसे एक सही मार्ग मिला है, कल्याण का मार्ग मिला है। और महाकाल बुद्ध की देशना तो कल्याण की देशना ही है, जो भी सुनता है उसका कल्याण होता ही होता है। इसीलिए महिलाओं ने आपको ऐसा कहा वो सच ही कहा है कि धर्मभूमि से जुड़ने के बाद उनका कल्याण हुआ है। पूछिए बंते जी, देश के हालात खुद से बदतर होते जा रहे हैं, इस देश में महिलाओं को जिंदा जलाया जाता है, तो बाबा साहब का सपना कैसे साकार होगा? कौन जला रहा है? बाहर का व्यक्ति नहीं जला रहा है, इसी देश के लोग जलाने वाले हैं। महिलाओं को इसलिए जलाया जा रहा है कि पुरुषों की मानसिकता ठीक नहीं है। जिस दिन हम अपनी मानसिकता में बदलाव करेंगे,
महिलाओं को सम्मान देंगे। जिसको सम्मान देते हैं हम उसको अपमान नहीं कर सकते, लेकिन इस देश में सम्मान के बजाय अपमान को महत्व दिया, कहीं जाति का नाम लेकर के, कहीं लिंग का नाम लेकर के, कहीं क्षेत्र का नाम लेकर के। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान और महाकानून बुद्ध का धर्म महिलाओं और पुरुषों को दोनों को समान अवसर देता है। जिस दिन भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना होने लगेगी, बुद्ध की बातें करने लगेंगे, लोग सदाचार पूर्ण जीवन जीने लगेंगे, चरित्र की बात करने लगेंगे, उस दिन इस प्रकार की घटनाएं स्वतः खत्म होने लगेगी। चूंकि हम बुद्ध से दूर हो गए, बुद्ध से दूर हो गए तो चरित्र भी गिर गया, चरित्रहीनता आ गई। बुद्ध का धर्म सदाचरण ही धर्म है, सदाचरण की बात कहीं नहीं होती। आज पढ़ाई के इस युग में सारे देश में शिक्षा की बात हो रही है, लेकिन सदाचरण की बात कोई नहीं कर रहा। तो मेरा यह विश्वास है जो ही बुद्ध के धर्म की चर्चा होने लगेगी, सदाचरण की बातें होने लगेंगी, छोटे बच्चे को समझ में आएगा सदाचरण ही धर्म है, सदाचरण का जीवन श्रेष्ठ है। बड़ों को जवानों को समझ में आने लगेगा। और मैं समझता हूं अभी जो एकदम से बढ़ रहे हैं अपराध, बुद्ध से दूर होने से बढ़ रहे हैं, और उनका उपाय सिर्फ बुद्ध का धर्म ही है। क्योंकि करुणा और मैत्री जब आने लगती है तो हम द्वेष नहीं प्रेम करने लगते हैं। इस देश में द्वेष का बीज बोया जा रहा है, हम बुद्ध के धर्म का बीजारोपण कर रहे हैं। भारत का धर्म है, भारत में पैदा हुआ और पूरी दुनिया उसका लाभ ले रही है। जिसने बुद्ध को स्वीकार किया वो श्रेष्ठ बना, जापान बना, कंबोडिया, थाईलैंड, अब चीन भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बुद्ध के धर्म से बना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, जब ये देश आजाद हुआ कुछ लोग शराब पीते थे, उनकी संख्या 5-7% से ज्यादा नहीं थी। हमारा देश आजाद हुआ और आज पीने वालों का प्रतिशत कई गुना ज्यादा बढ़ गया। हमारे एक साल बाद चीन आजाद हुआ, जब चीन आजाद हुआ उस समय चीन का हर तीसरा आदमी अफीम खाता था, और लोग कहते थे कि चीन अफीमचियों का देश है और जल्दी इसका नाम और निशान दुनिया से मिट जाएगा। उस समय मात्र 14% लोग बुद्ध को मानते थे चीन में, आज 80% से ज्यादा लोग चीन में बुद्ध को मानने वाले हैं और कोई भी अफीम नहीं खाता। दुनिया की बड़ी शक्ति बन गया। हमारे देश में कोई अफीम नहीं खाता था, बहुत कम लोग नशा करते थे, और आज सारा युवा नशे का शिकार हो गया और देश विकासशील देशों से भी हट करके अविकसित देशों की संख्या में आ गया। इसलिए हुआ क्योंकि जो हमें सही मार्ग देने वाले थे महाकामी बुद्ध, हमने उनसे मुंह मोड़ लिया। बुद्ध से दूर गए तो पतन की ओर गए, बुद्ध की ओर जाएंगे तो विकास की ओर जाएंगे। जिस दिन बुद्ध की बात होने लगेगी नशा खत्म होने लगेगा, युवा समझने लगेंगे, और जिस दिन युवा नशे से दूर हो जाएगा अपराध भी कम हो जाएंगे। इसलिए बुद्ध का धर्म बहुत जरूरी है और धर्म से ही देश का विकास होना है। ये बात जिस दिन समझ में आएगी उसी दिन एक नया युग शुरू हो जाएगा।